हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय केकरी एडिक्शन। सो आज हम वेज मंचूरियंस बनेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है कैबेज, कैप्सिकम, कैरेट और अनियन। कैरेट मैंने हाफ लिया है, सॉल्ट 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और मैदा। जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट मैंने दोनों के लिया है, ग्रेवी के लिए, बॉल्स के लिए भी। और यहाँ पे है, यहाँ पे कैप्सिकम, कैरेट आधा बाकी का, अनियन, रेड चिली पाउडर, ज़ीरा और सोया सॉस, सेजवान सॉस और विनेगर। वेजीज को हम फूड प्रोसेसर में चॉप कर देंगे। सो यहाँ पे मेरे पास सारी वेजीज फूड प्रोसेसर में चॉप की हुई है। यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा फ्लावर लिया था कैबेज का, जिसका मैंने पूरा पानी निकाल दिया चॉप करने के बाद। उसके बाद मैंने कैप्सिकम लिया थे 3, उनका भी मैंने पानी निकाल दिया चॉप करके। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है अनियन और कैरेट। उसमें मैंने अनियन एक ही लिया और कैरेट कम ही लिया है, क्योंकि उससे स्वीटनेस आता है, तो उसके लिए कम लिया है। 1.5 टीस्पून के अराउंड मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, सॉल्ट लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंगली, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 4 टेबलस्पून मैदा। मैदा मैंने ज़्यादा डाला है कॉर्नफ्लावर के अकॉर्डिंगली, आप भी ऐसे ही करें। रेड चिली पाउडर डाला है और इसको मिक्स करो। मिक्स करने के बाद अगर आपको ये बहुत ज़्यादा गीला लग रहा है तो आप मैदा कॉर्नफ्लावर बढ़ा सकते हो। अगर आपको ये ऐसे लग रहा है कि हाँ एटलीस्ट ये बाइंड होके हो गया है और थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इनको फ्रीज़र में रख सकते हो बॉल्स बना के, जैसे मैंने किया। सो मैंने इसके बॉल्स बनाए और इसको अराउंड एंड अराउंड मैंने 30-35 मिनट्स के लिए रख दिया फ्रीज़र में, जैसे वो स्टिफ हो जाए, ठीक है। उसके बाद जैसे वो स्टिफ हो गए, तो उसके बाद मैंने इनको फ्राई करने का प्रोसीजर स्टार्ट किया। फ्राई करने के लिए मैंने इसमें डीप फ्राई किया है इनको, और मैंने ऑयल लिया है काफ़ी सारा कढ़ाई में, जैसे ये जिसमें ये बॉल्स सिर्फ डिप हो जाए। और उसके बाद स्टार्टिंग में आपको फ्लेम फुल रखना है और उसको स्पून से सिर्फ ऑयल उसके ऊपर डालना है। और उसके बाद जैसे थोड़ा इसके ऊपर कलर आना शुरू हो जाए, तो फ्लेम सिम कर देना है या स्लो कर देना है, उससे आपके बॉल्स अंदर तक पकेंगे और अच्छे लगेंगे। सो गोल्डन ब्राउन होना हो जाने तक इसको फ्राई करेंगे, फिर इसको एक पेपर पे रख देंगे, एब्जॉर्बन पेपर पे। यहाँ पे मैंने 2-3 टीस्पून ऑयल लिया है और इसमें जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट लिया है 3 टीस्पून के अराउंड या 2 टीस्पून के अराउंड, डिपेंड करता है, मुझे ज़्यादा तीखा पसंद है इसके लिए। और इसमें ज़ीरा डाल दिया है थोड़ा, ये इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे नॉर्मली रख के इसमें इस टाइम पे सब्जियाँ डाल सकते हो, बट मैंने इसका कलर चेंज किया है पूरा। अब मैं इसमें अनियंस डालूंगा। अनियंस डालने के बाद मैं इसको थोड़ा ट्रांसलूसेंट होने तक कुक करूँगा, अनियंस पूरे डालकर और इसको थोड़ा ट्रांसलूसेंट होने तक कुक करूँगा, ठीक है। और इसके बाद हम इसमें अपनी वेजीज डालेंगे। शिमला मिर्ची लिया है मैंने एक छोटा सा, और उसको फिर मैंने स्लाइसेस में, मतलब लंबे लंबे स्लाइसेस में कट किया है। और लिया है मैंने इसमें कैरेट, कैरेट को मैंने फाइनली चॉप किया है। सो ये देखिए शिमला मिर्ची और ये कैरेट फाइनली चॉप किया है मैंने। हाफ कैरेट उसमें लिया था बॉल्स के लिए और हाफ कैरेट मैंने लिया है ग्रेवी के लिए, मतलब एक ड्राई सॉस के लिए। अब हम इसमें डालेंगे हमारा रेड चिली पाउडर, आपको ब्लैक पेपर, वाइट पेपर है तो वो भी डाल सकते हो। विनेगर डाला 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून सोया सॉस और 3 टीस्पून सेजवान सॉस। आप चाहिए तो आप सेजवान सॉस थोड़ा बढ़ा भी सकते हो अगर आप तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हो। बस अब हम इनको मिक्स करेंगे जब तक इसका ऑयल निकले। और मैंने 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर दी। सो मैं यहाँ पे इसमें शुगर और सॉल्ट डालूंगा, शुगर सिर्फ थोड़ी सी डालेंगे जैसे फ्लेवर्स बैलेंस हो जाए, और सॉल्ट डालेंगे। और जैसे इसमें से थोड़ा ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए, उस टाइम पे हम इसमें अपने मंचूरियन बॉल डाल के इसको थोड़ा सा टॉस करेंगे। टॉस कैसे करेंगे, 2 स्पून से लेके इसको ऊपर से नीचे बस मिक्स करेंगे। अगर आपके पास वो चाइनीज डिशेज के में यूज़ होने वाला वॉक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको नॉर्मली ऐसे ही टॉस कर सकते हो। सो उसके बाद बस हम इसको इस एक सर्विंग डिश में निकाल देंगे और इसको ग्रीन कोरिएंडर लीव के साथ गार्निश करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करते जाएं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।